टेस्ट क्रिकेट में दुनिया के दूसरे नंबर के ऑलराउंडर शाकिब उल हसन और उनकी पत्नी उमेद अहमद शिशिर एक हवाई हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए। दोनों के उतरते ही महज कुछ दूरी पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर के जरिए कॉक्स बाजार में पहुंचे बांग्लादेश टीम के खिलाड़ी शाकिब और उनकी पत्नी एक एड शूट के लिए रवाना हो गए थे, लेकिन एक घंटे बाद जब हेलीकॉप्टर ने वापसी के लिए उड़ान भरी तो तकरीबन 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ईरानी बीच के पास हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। गनीमत यह रही कि शाकिब और उनकी पत्नी हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गए, लेकिन इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद शाकिब ने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर से सदमे में हूं। किसी ने सच ही कहा है कि मारने वाले से ज़्यादा बचाने वाला होता है। शाकिब और उनकी पत्नी का बचना इसका सटीक उदाहरण है। देखते रहिए डीबी लाइव।